दोस्तों इस वीडियो में आप देखोगे किंगडम प्लांटी के बारे में। किंगडम प्लांटी क्या है? विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। पहला वाला हमारा मोनेरा था, बैक्टीरिया वाला हमने कंप्लीट कर दिया। दूसरा वाला प्रोटिस्टा था, वो भी हमने क्रायसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूक्लिनोइड्स, स्लैम माउल्ड्स, प्रोटोजोन्स के फॉर्म में वो भी कंप्लीट कर दिया। तीसरा वाला जो था हमारा वो कौन सा था, फंजाई, उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। चौथा वाला जो है किंगडम प्लांटी है। इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स को रखा गया है। जितने भी सारे प्लांट्स हैं वो हमारे इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में रख दिए हैं। इट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स। पर प्लांट्स की डेफिनेशन कैसे देंगे हम? प्लांट्स किसे कहते हैं? जो यूकैरियोटिक सेल का बना होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की पावर होती है, फोटोसिंथेसिस करता है और नॉर्मली ग्रीन कलर के ये पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। इसलिए इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या नाम दिया है? प्लांट्स। तो किंगडम प्लांटी प्लांटी में प्लांट्स को हम लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है हमारा, सारे प्लांट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है प्लांटी में। दूसरा वाला जो पॉइंट है, ये किस कौन से सेल के बने थे? यूकैरियोटिक सेल के। दे आर मेड बाय यूकैरियोटिक सेल। दे आर मेड बाय यूकैरियोटिक सेल एंड हैव क्लोरोफिल। इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्रीन कलर की ये दिखाई देते हैं। तो ये कौन सा न्यूट्रिशन करेंगे भाई? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे या हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे? प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि ये अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं है। ये सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसलिए प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें पार्शियली हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, जो पार्शियली हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी करते हैं, यानी कि अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड रहते हैं। ऐसे प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वर्ड, ये आपने कुछ नाम सुने होंगे। तो ये प्लांट्स कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं? थोड़े से पार्शियली हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी करते हैं। सम प्लांट्स परफॉर्म पार्शली हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सम प्लांट्स पार्शली परफॉर्म पार्शली हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एज एग्जांपल क्या हो सकता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब जो इंसेक्ट्स को भी चूस लेते हैं। क्या बात कर रहे हो, ऐसे ही प्लांट्स पाए जाते हैं क्या? सुना है कभी आपने?
मैं अब बता देता हूँ क्या चक्कर है इनका। ऐसे प्लांट्स ये कोई प्लांट है, इसकी जो पत्तियां हैं, यहां पर स्ट्रक्चर दे रहा हूं मैं, ये टहनी है और इस पर इस तरह की होती है इस पर, और ये यहां पर इंसेक्ट बैठता है और इसमें एक खुशबू आती है, इंसेक्ट उसके चक्कर में अंदर चला जाता है और उस पर एक होता है ढक्कन सा, और वो जो फ्लैप जो होता है ढक्कन, वो इसके ऊपर बंद हो जाता है। अब इंसेक्ट अंदर खूब फड़फड़ाता है लेकिन निकल नहीं पाता और अंदर ही अंदर दम तोड़ देता है, और इसके अंदर जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इसके ऊपर छोड़ता है और इंसेक्ट डिग्रेड हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है और उसे ये अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब इंसेक्ट का पूरी तरह से अंदर काम तमाम हो जाता है फिर ये ओपन हो जाता है नेक्स्ट इंसेक्ट को, अगले वाले इंसेक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, कुछ प्लांट्स में जो लीक पाई जाती हैं वो इस तरह की पाई जाती हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे रॉय जैसे होते हैं। अब जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पर बैठता है ये धीरे धीरे ऐसे बंद हो जाते हैं, ये रॉय जो होते हैं रॉय इंसेक्ट्स की बॉडी में फंस जाते हैं और वो ऐसे बंद हो जाता है जैसे ढक्कन की तरह। ये ऐसे इंसेक्ट बैठा यहाँ पर और ये रॉय से हल्के ऐसे बंद हो गए, ऐसे बंद हो गए। अब इंसेक्ट फड़फड़ाएगा, कुछ काम नहीं होगा फड़फड़ाने से, मृत्यु ही है जो जीवन का अंतिम सत्य है, मृत्यु मिलनी है उसे, मृत्यु मिल जाएगी और इसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होंगे अंदर ही अंदर, और फिर वो इंसेक्ट की बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स में टूट तोड़ के, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंसेक्ट की बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं और वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है लीफ में ही, और फिर वो ओपन हो जाता है, वहां पर इंसेक्ट नहीं है, वो नेक्स्ट इंसेक्ट को लेने के लिए तैयार, फिर अगला इंसेक्ट आएगा और सीधी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह के जो ट्री है वो ऐसा क्यों करती है? आखिरकार ये सवाल आता है कि ये जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं इनको अपना खाना मिल रहा है, खाना ये बना सकते हैं, सनलाइट की हेल्प से बना सकते हैं, तो ये ऐसा इंसेक्ट के साथ क्यों करते हैं व्यवहार? क्या इंसेक्ट से इनकी पुरानी दुश्मनी है? क्या कोई पुनर्जन्म का रिश्ता है जो इस तरह ये व्यवहार करते हैं? सीधी बात है भाई, ये जो प्लांट्स हैं, इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सॉइल पर पाए जाते हैं, जहाँ जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर ये प्लांट्स पाए जाते हैं, और नाइट्रोजन की जो कमी होती है तो ये प्लांट्स नाइट्रोजन तो मिल नहीं पाती, इंसेक्ट से नाइट्रोजन लेते हैं। इनके अंदर खास ये एडेप्टेशन है कि ये इंसेक्ट से नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सॉइल पर पाए जाते हैं। नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट, नाइट्रोजन बहुत जरूरी है नॉर्मल ग्रोथ के लिए, तो इनकी नॉर्मल ग्रोथ जब ही संभव है जब इंसेक्ट आएगा और उसे आत्मा को शांति दे दी जाएगी, बॉडी को अपने काम में ले लिया जाएगा। तो ये चक्कर है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं वीनस फ्लाइट्रैप है, ब्लैडर वर्ट है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। वीनस फ्लाइट्रैप, ब्लैडर वर्ट, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब बात आती है कुछ
ऐसे प्लांट्स की जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर पाए जाते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते, प्लांट भी नुकसान पहुंचाते हैं कि हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो। ऐसा कौन सा प्लांट है जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन करता है? कौन सा प्लांट है भाई? अमरवेल, पुष्पोटा। अमरवेल जो होती है किसी दूसरे प्लांट के ऊपर पाई जाती है और उसे सुखा देती है। जैसे आपने देखा होगा बेरिया वगैरह होती हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इससे अपना खाना लेती रहती है। ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन करती है अमरवेल, जिसका नाम है पुष्पोटा। पुष्पोटा सम प्लांट्स आर पैरासाइट्स। एग्जाम्पल, अरे पुष्पोटा, ये इसके एग्जाम्पल है। तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी करते हैं। ये हमारा अगला वाला पॉइंट हो जाएगा। अब बात आती है प्लांट्स जो होते हैं वो कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं? एटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सम ऑफ देम परफॉर्म पार्शियली हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्टिवरस प्लांट्स, एंड रेयरली प्लांट परफॉर्म पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या था? पुष्पोटा था। तो ये एग्जाम्पल हैं हमारे। अब बात आती है प्लांट्स में, प्लांट की जो कठोर होते हैं, प्लांट को हम इधर उधर आसानी से मोड़ नहीं सकते। अपनी स्किन को ऐसे खींच लेंगे, खींच रहे हैं आसानी से, बिकॉज इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारी सेल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हमारी ज्यादातर सेल्स में, एनिमल्स की सेल्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन प्लांट की सेल में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि आप ऐसे पकड़ के खींच लो। अगर किसी प्लांट के तने को ऐसे पकड़ के खींचोगे तो आपका हाथ ही प्रॉब्लम दे सकता है। वो प्लांट नहीं, उसकी छाल वगैरह बड़ी कठोर होती है, पूरा प्लांट की बॉडी बड़ी कठोर होती है, बिकॉज सेल वॉल इज प्रेजेंट। उसकी सेल के चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है जिससे प्लांट को रिजिडिटी देती है, कठोरपन देती है। सेल वॉल प्लांट को कठोरपन देती है। और ये प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल प्रेजेंट एंड मेड बाय सेलुलोज। और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट की जो सेल वॉल है सेलुलोज की बनी होती है। अब देखेंगे इसके जो फर्दर कैरेक्टर्स हैं, इनमें हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, हैप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। अब जो मैं कुछ बता रहा हूँ लाइफ साइकिल, हैप्लोन्टिक, हैप्लो डिप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक, ये आपके दिमाग से ऊपर जा रहे होंगे, तो टेंशन मत लेना। इसको नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, डिप्लो हैप्लोन्टिक और डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल क्या है। लेकिन फिलहाल मैं मोटे तौर पर बता दूं कि प्लांट्स को पांच ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। Divided into five groups, पांच ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला वाला है हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा
जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। तो प्लांट्स को पांच ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इनको डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में कि सब ये थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा, अब तक तो नाम आपको थोड़े कम समझ में आ रहे होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इनसे आप बार बार रिवीजन करके फेमिलियर हो सकते हैं। तो प्लांट्स को इन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। फर्दर स्टडी टू प्लांट्स वी विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 विच इज स्पेशली डिवोटेड फॉर प्लांट्स। वो पूरा चैप्टर जो है प्लांट किंगडम का ही भरा पड़ा है। तो प्लांट किंगडम का ये ओवरव्यू था जो मैं आपको दे रहा हूं। अब ओवरव्यू देखेंगे हम एनिमल किंगडम। किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया में जो है जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो एनिमल्स होते हैं। विटेकर का ये पांच वाला किंगडम है, फिफ्थ जो किंगडम है विटेकर का, आर्च विटेकर का, वो है किंगडम एनिमेलिया। इसमें सारे एनिमल्स को रखा गया है जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। इट इंक्लूड्स एनिमल्स, इट परफॉर्म्स they perform heterotrophic nutrition। ये heterotrophic nutrition करते हैं, यानी कि अपने खाने के लिए किसी दूसरे organism पे डिपेंड रहते हैं। कोई हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे। आगे वाला जो पॉइंट है, दे आर मल्टी सेलुलर एंड सेल वॉल एब्सेंट। ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब ये जो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट वगैरह क्लोरोफिल इनमें नहीं पाया जाएगा। लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और कई ज्यादा सेल्स के ये बने होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा सेल्स के बने होते हैं। प्लांट्स में रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च था। प्लांट में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या होता है, स्टार्च। और एनिमल्स में रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है। ये लिख लें आप, एनिमल्स है ग्लाइकोजन एज रिजर्व फूड मटेरियल। ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल होता है एनिमल्स में।
और प्लांट्स में क्या होता है रिजर्व फूड मटेरियल, स्टार्च। ये स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है, आपने देखा होगा फूड के कंपोनेंट में एक कार्बोहाइड्रेट आता है। कार्बोहाइड्रेट मोस्टली तीन तरह का होता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल हैं ग्लाइकोजन और स्टार्च। ये एग्जांपल हैं किसके, पॉलीसैकेराइड के, जो कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। अब इसमें जो ग्रोथ है, एनिमल्स में ग्रोथ है, एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ बंद हो जाती है, जो कि प्लांट में डायरेक्ट तो ग्रोथ हो जाती है, प्लांट में लाइफ टाइम ग्रोथ पाई जाती है, लेकिन एनिमल्स में बाल और नाखून वगैरह को छोड़ के हाथ काट दो दोबारा हाथ नहीं आएगा, कान काट दो दोबारा कान नहीं आएगा, कन कटा कहलाया जाएगा, आंख फोड़ दो दोबारा आंख नहीं आएगी, आंख फोड़ा नहीं कहलाया जाएगा वो, बल्कि अब क्या कहें, तो पैर काट दो दोबारा पैर नहीं आएगा। तो सर्टेन एज के बाद ग्रोथ होती है, लेकिन वो भी सर्टेन एज के बाद बंद हो जाती है, ऐसा नहीं बढ़ता चला जाए, ऐसा नहीं है। तो एनिमल्स में सर्टेन एज के बाद, कुछ निश्चित एज के बाद ग्रोथ बंद हो जाती है, और इनमें सेंसिटिविटी ज़्यादा पाई जाती है प्लांट्स की अपेक्षा। न्यूरल सिस्टम ज़्यादा विकसित होता है, सेंसरी ऑर्गन्स ज़्यादा डेवलप होते हैं, और मोस्ट ऑफ देम जो एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर सकते। अब बात आती है जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, कुछ कहते हैं मूवमेंट करते हैं, तो चलो ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ प्लांट्स जो मूवमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे एनिमल्स में आप देखोगे, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे, कुछ एनिमल्स हैं वो भी मूवमेंट नहीं कर सकते, जैसे स्पंज हैं, हाइड्रा है, ये मूवमेंट नहीं कर सकता। तो मोस्ट ऑफ देम, सारे एनिमल मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर एनिमल्स मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं सेंसिटिविटी सिस्टम इज डेवलप्ड एंड मोस्ट ऑफ एनिमल्स, मोस्ट ऑफ एनिमल्स जो हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आर कैपेबल फॉर लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते हैं। अब जब बात आती है इसमें रिप्रोडक्शन जो पाया जाता है एनिमल्स में, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है मोस्ट ऑफ एनिमल्स में, और मेल और फीमेल अलग होती हैं। तो एनिमल्स का फर्दर स्टडी जो हम करेंगे चैप्टर 4 में करेंगे। ये जो है एक ओवरव्यू था किंगडम एनिमल्स का, किंगडम प्लांट्स और किंगडम एनिमल्स का, प्लांटी और एनिमेलिया का अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं, क्यों उनके इनका डिटेल जो स्टडी है उन्हीं चैप्टर्स में हम करेंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा एक ओवरव्यू प्लांट्स का, किंगडम प्लांटी का, एनिमल्स का, किंगडम एनिमेलिया में। थैंक यू वेरी मच।